लंबा चौड़ा काफिला जलमाना गांव में इस समय ऐसा हो रहा है जैसे आपका विजय जुलूस निकल रहा हुआ। ये पहले लोगों ने देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो जनता भाव जनता जनू जनता मेरी दीवानी और मैं जनता है दीवाना। कांग्रेस का माहौल नहीं, कांग्रेस का तूफान चल रहा है जी, सुनामी आई हुई है कांग्रेस की। विधायक जी का प्यार है जो जितनी जनता उसके साथ जुड़ रही है। एक तरफा धर्म सिंह शुक्र है, एक तरफा और दूसरे वाले सब जीरो है जी। बडाणा ने की यहाँ पर कोई वोट नहीं हो तो पैराशूट के द्वारा यहाँ लाया गया है, उनका तो काम है जहाँ चुनाव उनको दिखता वहाँ जाते हैं। तो सोमालखा विधानसभा में है और आप लगातार जो है चुनाव की गतिविधियाँ देख रहे हैं, सोमालखा में भी इस बार जो है चुनाव ठीक ठाक जो है चल रहा है। कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर जो हैं इस समय मजबूत हैं, आज की डेट में धर्म सिंह छोकर मजबूत स्थिति में लग रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के मनमोहन बडाणा है, उनका चुनाव प्रचार इतना नहीं उठ रहा लेकिन इसके बावजूद जो है मुकाबला ठीक ठाक है। और गंगाराम स्वामी बीजेपी छोड़ के जेजेपी में आए हैं, वो भी यहाँ पर जो है चुनावी दमखम में चुनाव मैदान में खड़े हैं। और शशिकांत कौशिक चुनावी मैदान जो है छोड़ चुके हैं। इस समय मैं हूँ जलमाना गांव में, जलमाना गांव में यहाँ धर्म सिंह छोकर का काफिला यहाँ पहुँचने वाला है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो पब्लिक खड़ी है उससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि दूसरी बार जो है धर्म सिंह छोकर अब जो है दूसरी बार, क्योंकि बीजेपी की लहर में धर्म सिंह छोकर चुनाव जीत चुके थे, अब दूसरी बार जो है चुनावी मैदान में है। कुछ युवा खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बडाणा का विरोध ज़्यादा है क्योंकि वो बारी जो है कैंडिडेट लग रहे हैं, आपको क्या लगता है दम भर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे, क्या लगता है? बडाणा ने की यहाँ पर कोई वोट नहीं हो तो पैराशूट के द्वारा यहाँ लाया गया है, उनका तो काम है जहाँ चुनाव उनको दिखता वहाँ जाते हैं। बडाणा की नहीं है यहाँ 10,000 भी वोटे, और विधायक धर्म सिंह छोकर की हम यहाँ 1,00,000 प्लस वोट कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ संभाल कर जिताओगे? संभाल कर से जिताओ कैंडिडेट है, और डिप्टी सीएम भी हम विधायक जी को कह सकते हैं। ईडी वाला मामला चल रहा था, अभी बातचीत ये भी हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि ईडी वाले पहला से जो है प्रत्याशी जो जीत बच के आया ईडी से, ईडी ने पूरा दबाने की कोशिश करी थी धर्म सिंह छोकर को। धर्म सिंह छोकर को पूरा दबाने की कोशिश ईडी को ने भी की थी, और जो ईडी को बीजेपी वाले ही तो भेजते हैं, और बीजेपी ने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन ये दबने वाला नहीं है, इनके काबू में नहीं आएगा। बाकी ये जनता आपको बता देगी, अब की बार जीता के डिप्टी सीएम बना के भेजेंगे। पक्की बात है जी, बताओ। एक तरफा धर्म सिंह छोकर है, एक तरफा और दूसरे वाले दूसरे सब जीरो है जी। उनको तो पड़ता होगा 5-10,000 वोट तो। हाँ, 5,000 जो पैराशूट से आया है जी, बताओ जी। एक तरफा बाकी धर्म सिंह छोकर है। सुनने में बड़े पैसे फेंक रहा वो इस बार चुनाव में। कोई बात नहीं, पैसा दे रहा है, एक तरफा सबने पता है पब्लिक ना जी धर्म सिंह बनना है जी, एक तरफा धर्म सिंह की वोट है जी, वो ये नहीं है जी 5-10,000 वोट ले लेगा जी, सबसे बढ़िया धर्म सिंह छोकर। आप क्या मानते हो धर्म सिंह छोकर क्यों? काम करवा रखे यूँ है धर्म सिंह छोकर, लोगों के बच्चे लगवा रखे, रोजगार दे रखा यूँ है धर्म सिंह छोकर, उसके काम बोल रहा है उन पैसा ना पैसा फाँकने की जरूरत नहीं है, इतने काम करा रखे उसने। विधायक जी का प्यार है जो जितनी जनता उसके साथ जुड़ रही है, ये तो 500-500 रुपये का तेल गलवाओ मोटरसाइकिलों में, भीड़ इकट्ठी करने खातर 1500 का ट्रैक्टर में। तो जलमाना गांव से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, धर्म सिंह छोकर का काफिला है, जो मौजूदा विधायक है और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरें जलमाना गांव से देख रहे हैं, और ये मोटरसाइकिल के काफिलों से धर्म सिंह छोकर जो है उनका स्वागत जो है किया जा रहा है। पीछे काफ़ी सारे ट्रक जो है वो भी आप लोग देख रहे होंगे, ट्रैक्टर का काफिला जो है वो भी धर्म सिंह छोकर के साथ चल रहा है, लंबा चौड़ा काफिला आप देख सकते हैं। और धर्म सिंह छोकर आप पीछे देखिए तो धर्म सिंह छोकर जो है आ रहे हैं, तस्वीरें सोमालखा विधानसभा के जलमाना से आप लोगों को दिखा रहे हैं। तस्वीरें साथ ही शेयर जो करें क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो बीजेपी के मनमोहन बडाणा के साथ है, हालांकि इलाके की जनता ये कहते हैं कि इस बार मनमोहन बडाणा को जीतने नहीं देंगे क्योंकि वो पैराशूट से उतरा हुआ कैंडिडेट है, और बीजेपी के कई लोग जो है कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं इसी बात को लेकर कि बाहरी को जो है कैंडिडेट बनाया गया, इसका सीधा साधा फायदा जो है धर्म सिंह छोकर को होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं धर्म सिंह छोकर का ये लंबा चौड़ा काफिला जलमाना गांव में इस समय पहुंच चुका है, और उनसे भी बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जो करें, और आपको बता दें कि धर्म सिंह छोकर का
का जनसंपर्क अभियान बड़ी तेजी से जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसकी लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं। खुश लग रहे हैं धर्म सिंह चौकर लोग, अभिवादन जो है उनका कर रहे हैं। हार पहनाया जा रहा उन्हें और खुश नजर आ रहे हैं। काफी तस्वीरें साथ ही साथ शेयर भी करें, धर्म सिंह चौकर से बातचीत करने की भी कोशिश भी करेंगे। पूरा लंबा चौड़ा काफिला जो है उनके साथ पीछे जो है चल रहा है। क्या लग रहा है पूरे हरियाणा में कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस का माहौल नहीं, कांग्रेस का तूफान चल रहा है जी, सुनामी आई हुई है कांग्रेस की। अच्छा। और जिस तरह से आप देख रहे हो, 1 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे, बिल्कुल टोटल मिलाए तो 3 किलोमीटर लंबा काफिला चल रहा है। ये कुछ स्पेशल प्रोग्राम नहीं था आज, खाली जलमाना सरपंच ने कर रखा था प्रोग्राम और वहाँ इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, बहुत ज्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मनमोहन बढ़ाना का बड़ा विरोध हो रहा है इस इलाके में। विरोध इसलिए हो रहा है जी, इस टाइम जनता को बताना ये जरूरी है कि पैसा अहमियत नहीं रखता, जो बंदा चुनाव से जुड़ा है, आप हजारों करोड़पति हो सकते हो, अगर करोड़पति ही जीतने लगे तो अंबानी अडानी जो है वो देश के प्रधानमंत्री होते। ऐसा भी है? ये है जी, और जब लोगों का जमीन से जुड़ाव है, जीतेगा खाली वही जो लोगों के दुख सुख में काम आता है और लोगों के साथ रहता है। धर्म सिंह चौकर के बारे में ईडी ने शिकंजा कस दिया पूरा, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि बच के आ गया ईडी से, पहला ऐसा नेता है, लगता है कि ईडी अपना कमाल नहीं कर पाई। इसमें मैं कहूंगा कि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये युवाओं का काफिला जो है लंबा चौड़ा काफिला धर्म सिंह चौकर को यहाँ लेकर आ रहा है और जलमाना से आप ये सीधी तस्वीरें। उत्तर साहब, ऐसा हो रहा है जैसे आपका विजय जुलूस निकल रहा हुआ। ये पहले लोगों ने देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की दूध में होती, जो जनता भाव, जनता जनू, जनता मेरी दीवानी और मैं जनता का दीवाना, मैं जनता की दिलबराज करने वाला सेवक हूँ और जनता मेरे दिलबराज करने वाला। आपके प्रतिद्वंदी का बड़ा विरोध हो रहा है यहाँ पर भी, मैं सुन रहा था कि बाहरी प्रत्याशी है। देखिए पहले भी आए 2 उदाहरणों में जमान जब्त हुई थी, अब की बार भी वही होना जो जनता चाहेगी। आप भी मतलब पूरा दमखम के साथ जुटे हुए हैं चुनाव में, जनता का प्यारा देखो मेरे लोग में तो इतनी फूल की माला से सैकड़ों ट्रैक्टरों का मोटरसाइकिलों का दुकान से देखिए पीछे नजर लगाइए, बापोली से लेकर पूरे जलमाना तक भीड़। धर्म सिंह चौकर हैं ये और चुनावी मैदान में है, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और लोगों से भी। क्या कहोगे जी धर्म सिंह के बारे में? धर्म सिंह पूरी बारी बहुमत से जीतेगा, समर कैलके से कांग्रेस की सर पूरी मेजोरिटी आएगी, 85 और 60 के बीच में प्रत्याशी जीतेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार एक तरफ से आएगी। बीजेपी वाले का कुछ नहीं है, जनाधार खत्म हो रहा है बीजेपी वाले का। 10 साल पहले इसके पिताजी रह गए भूखन एरिया बता करता, अब वहाँ जाकर फरीदाबाद बैठ गया। कोई हाल इसका मनमोहन सिंह पठाना का होगा, कोई काम नहीं करना बीजेपी ने, आपस में ही फूट हो रही बीजेपी की, बाकी नेता भाज गए बीजेपी के, बीजेपी की खुद ही हार मान रहे हैं। टिकट जिसको देना था उसको दिया नहीं है, अपोजिट में टिकट दे दिया। 10 साल में बदलाव जाती है सरकार, ये मतलब फर्क पड़ेगा ये बीजेपी वालों को भी, बीजेपी वालों को पूरा फर्क पड़ेगा। अगर जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया कर्मचारी के लिए, कुछ नहीं किया। मैं संभाल के लगे का प्रभारी हूँ रिटायर कर्मचारी का, राजेंद्र कुमार शर्मा जलालपुर से, हम ब्राह्मण आदमी पूरे मतलब कर्मचारी कांग्रेस को पूरा समर्थन देता है दिल से, कांग्रेस की सरकार ही आएगी। आप क्या कहोगे जी ये पूरा लंबा चौड़ा काफिला चल रहा है? अब की बार 100% धर्म सिंह चौकर यहाँ से 1 लाख वोटों से जीतेंगे जी। अच्छा हाँ, और जो भूखन एरिया बता रहे थे बार बार भूखन एरिया, ये क्या है भूखन एरिया? उन्होंने जी कुछ नहीं, 10 साल यहाँ पे रहे, उनके पिताजी मंत्री भी रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ पर लोग जाते थे फरीदाबाद, उनकी कोठी पर बोलते थे तो भूखन लोग आगे इनको खाना वगैरह खिला के भेज दो, ऐसा था। ऐसा ही था, कोई काम नहीं करा। अब की बार उनको वोट की चोट देंगे जी। बीजेपी ने किसी को ट्रांसफर भी नहीं करी, कोई कर्मचारी जल जाए उसकी बदली भी नहीं रखो, ऐसा करना करा, कोई काम नहीं करा बीजेपी। चलिए एक बार धर्म सिंह चौकर का काफिला जो है आगे पहुंचा हुआ है, वहाँ पर भी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे लोगों से। लेकिन आपको बता दें कि धर्म सिंह चौकर जलमाना में पहुंचे और यहाँ के सरपंच ने जो है यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम जो है करवा रखा है। देख सकते हैं आप लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें साथ के साथ शेयर करें। समालखा की राजनीति में इस बार बड़ा कुछ होने वाला है और जिसकी लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए काफी लंबा चौड़ा काफिला जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है और धर्म सिंह चौकर लोगों से मिलते हुए जो हैं दिखाई दे रहे हैं।
कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ये।